नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की रोपाई करते समय ये तीन खास गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है। यदि नहीं करते हैं तो आप को जो धान रोपाई के बाद 20 दिनों में आपको धान के कल्ले एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन दबाए। आज बात करेंगे कि ये कौन सी तीन खास गलतियां हैं। तो पहला नंबर पर जो गलतियां है किसान भाइयों, नंबर वन गलतियां ये नहीं करना है, धान की रोपाई के वक्त धान की पौधा से पौधा की दूरी आपको एकदम नज़दीक नहीं रखना है। इसका यदि आप रखते हैं तो इसका आपको इस समय तो अच्छे लगेंगे देखने में, आप कहेंगे कि मेरे धान एकदम नज़दीकी रोपा हुआ है, आगे चल के यह बहुत ज़्यादा उत्पादन दिलाएगा, लेकिन अन्यथा ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे धान के कल्ले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यह जो इससे पोषक तत्व ग्रहण करने का क्षमता जो होगा वह घटते चला जाएगा। इसीलिए आपको धान के पौधा से पौधा के दूरी आपको 20 से लेके 25 सेंटीमीटर रखना है। और दूसरा जो नंबर पर जो ये गलतियाँ है, ये गलती आपको सही समय पर धान की रोपाई के वक्त आपको सही उर्वरक डालना है। जो आपको इस समय आपको डालना है, यदि पहले रोपाई करवा रहे हैं तो रोपाई के वक्त किसान भाइयों आपको मात्र DAP डाल देना है। इसका डोज आपको 1 एकड़ में 30 से लेकर 35 केजी लेना है। यदि आप अधिक पैदावार और अधिक कल्ले के बल्ले वाले करना चाहते हैं तो तीसरा और अंतिम ये गलती आपको नहीं करना है। आप पहला जो खाद दिए हैं रोपाई के वक्त दिए हैं मात्र DAP, उसके बाद आपको दूसरा जो खाद 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर में आपको देना है, 15 kg यूरिया 1 एकड़ में, 15 kg DAP और 15 kg MOP, और आपको 1 एकड़ में जिंक की मात्रा आपको 10 kg देने हैं। और ये आप अपने खेतों में भी खेर दीजिए और शुरू से ही आपका धान के जो फसल होगा तूफान मचाते हुए चलेगा। तो किसान भाई ये था कि धान की रोपाई वक्त हम कौन सी गलती ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के।